नमस्कार दोस्तों, मैं मोहिनी शर्मा, प्राबी वुमेन चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर कानपुर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम अपने एक्सपर्ट से लेते हैं। तो लास्ट वीक हमने एक वीडियो लिया था जिसमें हमने पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चंस लिए थे और उनके आंसर्स हमने अपनी डॉक्टर मोनिका सचदेवा से जाने थे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं जिसमें पेशेंट्स अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाह रहे हैं, जिसमें वो हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस जानना चाह रहे हैं। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैम के साथ एक और राउंड शुरू करते हैं। तो चलिए। हेलो मैम, जो पहला क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, कई सारे पेशेंट्स ने इसको पूछ रखा है, क्या IVF के बाद पूरे 9 महीने बेड रेस्ट पे रहना होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार 9 महीने बेड रेस्ट में रहने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होती। IVF के प्रोसीजर में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 1-2 घंटे का रेस्ट आप IVF सेंटर में करते हो, 2 दिन का रेस्ट आप घर पे करते हो, वो भी कंप्लीट बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटी कर सकते हो, आप ऑफिस, स्कूल, काम पे जा सकते हो, आप सब काम घर के कर सकते हो एक्सेप्ट हैवी काम करना। और जब प्रेगनेंसी आ जाती है तो प्रेगनेंसी जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का ध्यान रखा जाता है बिल्कुल वैसे ही होता है। आप फर्स्ट 3 मंथ्स प्रिकॉशंस लेते हो, फिर रूटीन काम कर सकते हो, एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल और ट्रेन ट्रैवल भी कर सकते हो। और IVF की प्रेगनेंसी जरूरी नहीं है सिजेरियन से हो, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है दोस्तों। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IVF में इंजेक्शन क्यों लगते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई महिलाओं के लिए एक समस्या का कारण है। इस वजह से वो IVF से 2 कदम पीछे हट जाती है। IVF में इंजेक्शंस का रोल है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह सिर्फ ये है कि IVF के लिए जो अंडे विकसित किए जाते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हमें महिला से 10 से 12 अंडे मिनिमम मिले। उसके लिए कुदरती भगवान सिर्फ 1 या 2 अंडे बनाते हैं और 10 से 12 अंडे बनाने के लिए हमें हॉर्मोनल इंजेक्शन मिनिमम 10-12 डेज पेशेंट को देना ही पड़ता है। ये इंजेक्शंस लेकिन समय के साथ काफ़ी विकसित हो चुके हैं, पेन फॉर्म में आते हैं, बहुत ही पतली सुई से आते हैं। मैं पेशेंट्स को मजाक में बोलती हूँ, मच्छर काटने से ज़्यादा दर्द होगा देन के इंजेक्शन से। लेकिन हाँ दोस्तों, IVF में इंजेक्शन अगर आपके अंडे में अच्छे चाहिए, विकसित चाहिए, नंबर अच्छी मात्रा में चाहिए तो इंजेक्शन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IVF में कोई ऑपरेशन होता है? IVF की ब्यूटी यही है, इसमें कोई भी ऑपरेशन जो पेट काट के चीरा लगा के होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। IVF में 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक है अंडे निकालने की प्रक्रिया जिसे हम मेडिकल बोलते हैं ओवम पिकअप, दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर। दोनों काम नीचे से वजाइना के थ्रू होते हैं। जो ओवम पिकअप है उसके लिए हमें 17 गॉज की नीडल यूज करनी पड़ती है जो कि हम वजाइना के थ्रू पियर्स करके अंडेदानी में लेके जाते हैं। अब वो नीडल थोड़ी पेनफुल होती है, इसलिए पेशेंट को पेन ना हो, वो एंग्शियस ना हो, हम उसे 10-15 मिनट के लिए सुला देते हैं, सेडेट कर देते हैं और उनके एग्स को नीचे से वजाइनली बाहर निकाल देते हैं। उसमें बॉडी में कोई कट या चीरा नहीं लगता। एम्ब्रियो ट्रांसफर में तो हमें एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही हम नीचे से एक पतले से माइन्यूट से प्लास्टिक कैथेटर से हम भ्रूण को केयरफुली अंदर बच्चेदानी में डाल देते हैं, इसलिए IVF में कोई ऑपरेशन नहीं है। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है? मैम, ये भी 3-4 टाइम पूछा गया है। IVF का इलाज इज अ प्योर डे केयर प्रोसीजर, अर्थात आप सुबह आओ, शाम को अपने घर चले जाओ। उसमें हॉस्पिटल में आपको एडमिट होने के लिए ओवम पिकअप के बाद या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप घर जाके अपने रूटीन काम कर सकते हैं। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या IVF का इलाज लंबा चलता है? IVF का इलाज लंबा इन द सेंस, पहले IVF क्यों करना है पेशेंट को हमें यह समझना पड़ता है, फिर हम IVF कैसे करें वो प्लान उनके लिए बनाना पड़ता है, बिकॉज IVF का इलाज बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, और फिर हम IVF का प्लान जब बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। IVF का इलाज में
एक्चुअली 15 से 20 दिन के इंजेक्शन में हम अंडे निकाल पाते हैं और एम्ब्रियो बना पाते हैं, और फिर एम्ब्रियोस को हम फ्रीज कर देते हैं दो एक से दो महीने के लिए। उसके बाद जब अंडेदानी का साइज नॉर्मल आ जाता है तो उनको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए बुलाते हैं। हमारे पास कई पेशेंट हैं जो कई स्टेट से आते हैं, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी आते हैं, तो हम उस हिसाब से उनकी प्लानिंग करते हैं कि पहले इनिशियल 15 डेज की विजिट करिए, फिर दो महीने बाद वापस 15 डेज का टाइम लेके आप आइए एक सक्सेसफुल IVF इलाज के लिए। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और जो जिनके मन में और क्वेश्चंस हैं जो जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट करें या फिर हमें कॉल करें, और कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से उन पर अपनी राय लें। धन्यवाद।